बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यूएस में हुए इलेक्शन और आया एक धमाकेखेज रिजल्ट और सब बैठ के ये सोच रहे, हाय ये कैसे हो गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मालीज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, वो है अमेरिका यूएस के इलेक्शन और ट्रंप की विक्ट्री। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो तीन बातें करूंगी और हम एक और वीडियो है जो श्याम शर्मा शो का वीडियो है, उन्होंने भी ट्रंप के इलेक्शन पे एक वीडियो बनाया है तो उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी और हम आगे जाकर उसका खुल के तबसरा करेंगे। मगर वीडियो पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले वीडियो देखते हैं। Worst vice president, you're the worst border czar. There's never been anybody bad like you. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. याद है आपको जब कमला चाची ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीरियों को कहा था कि वो अकेले नहीं है, तो अब इलेक्शन हारने के बाद वो जाके कश्मीरियों को कंपनी दे सकती हैं क्योंकि अब तो उनके पास काफी फ्री टाइम है। तो जैसा कि आपने सुन लिया होगा, ट्रंप चाचा हैज रिटर्न्ड इन 2024। तो 2016 में ट्रंप के जीतने के बाद आपको ये देखने को मिला था। लोग कह रहे हैं पता नहीं वो कैसे हो गए। और फिर से 2024 में वो घड़ी आ चुकी। क्या ट्रंप इंडिया के लिए अच्छा होगा और ट्रंप और इंडिया के बीच की रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आइए पता करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए मैं इस हफ्ते ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिफरेंट सेटअप है, थोड़ा अजीबोगरीब सेटअप है। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी शायद उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, लेकिन यार एक हफ्ते की बात है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो अमेरिका के 2024 के इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट्स के साथ काफी बड़ी जीत हासिल की है और अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट रहने के बाद दोबारा अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। 2020 का बदलाव उन्होंने कम्प्लीट कर लिया है। आई थिंक ये मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है यूएस में कि एक प्रेसिडेंट एक उन्होंने अपनी वो की टर्म एंड देन ही वाज नॉट इलेक्टेड अगेन। यूजुअली ये होता है ना कि दो टर्म्स के लिए इलेक्ट कर लेते हैं, बट आई थिंक ही इज द सेकेंड वन टू डू दैट। मगर फिर भी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, सब यही कह रहे हैं कि हाय ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया कैसे हो गया। वैसे श्याम शर्मा जी आपने बड़ी अच्छी पॉलिश वॉलिश करवा कर आए हैं आज, बहुत अच्छी लग रही है आपकी बाल सेटअप। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आई एम स्पीकिंग, इन मिनेसोटा शी वेंट आउट, वेट अ मिनट, आई एम टॉकिंग नाउ, यू डोंट माइंड प्लीज जस्ट आउट फॉर मी। और जो बाइडेन जिन्हें जबरदस्ती धक्का मार के डेमोक्रेटिक पार्टी से निकाल दिया गया था कमला चाची इलेक्शन लड़ सके, उन्होंने कमला चाची के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। And they say, I'm the retarded one. The Democrats said that I was too old, that I was too slow, that I was a joke. Well, here's a joke. What do Willie Brown and the 2024 presidential election have in common? Kamala Harris blew both of them. I shouldn't have said that. But seriously, I mean, first Hillary loses to Donald and now Kamala. This man has beaten more women than Doug Emhoff. Anyways, congrats on losing to Hitler again. I hope he locked you all up this time. In fact, Kamala Harris, वो बाइडेन से भी इतनी बुरी कैंडिडेट थी कि बहुत सालों के
गाइज ये एडिटेड वीडियो थी, ये रियल वीडियो नहीं है उसकी, ये मत समझ लेना कि ये रियल वीडियो है उसकी। आजकल तो रियल और फेक में यार सीरियसली, एक दिन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा हूँ कि मेरी भी वीडियो रियल है कि फेक है, इट्स सो मेस्ड अप। तो ये रियल वीडियो नहीं थी बाइडेन की, ओके इट वाज एन ओल्ड वीडियो। के बाद ऐसा हुआ है कि एक रिपब्लिकन कैंडिडेट ने अमेरिका के इलेक्शन में पॉपुलर वोट भी जीता है, यानी एब्सोल्यूट नंबर्स में भी उनको डेमोक्रेट से ज्यादा वोट्स आए। जनरली क्या होता है अमेरिकन इलेक्शंस में कि जो डेमोक्रेट कैंडिडेट होता है वो पॉपुलर वोट जीतता है। उसके ऊपर से अमेरिका में देखिए अराउंड 6 से 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स होते हैं जिनमें बेसिकली माना जाता है कि इलेक्शन डिसाइड होगा। अगर इन स्टेट्स में कोई भी कैंडिडेट बेहतर परफॉर्म करता है तो उसके चांसेस प्रेसिडेंट बनने के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये स्टेट्स हैं विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, नेवाडा और एरिजोना, जिनमें टोटल 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स होते हैं जो जैसा कि मैंने कहा इलेक्शन का रुख बदल सकते हैं। 2020 में इनमें से मेजोरिटी स्टेट्स जो बाइडन ने जीते थे, लेकिन इस बार सारे के सारे 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं। इनफैक्ट कमला हैरिस की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि पूरे के पूरे अमेरिका के किसी भी कोने में उन्होंने 2020 में बाइडन से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी है। So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming 2020. Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything on the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one count. So Trump ki jeet ke piche kya secret hai? Dekhe, Trump ka main election plank tha economy, immigration और लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम को फिक्स करना, और ये वोटर्स के लिए एक्चुअली काफी बड़े कंसर्न साबित हुए, स्पेशली क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि बड़े शहरों में अमेरिका में क्राइम काफी तेजी से बढ़ा है डेमोक्रेट लीडरशिप में। और ये इलेक्शन रिपब्लिकन्स के लिए, अमेरिका के लिए काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि जनरली माना जाता था कि जो माइनॉरिटी वोटर्स होते हैं, जो ब्लैक होते हैं, हिस्पैनिक्स होते हैं, वो डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं। और पिछले 10 सालों से जो डेमोक्रेट लीडरशिप है, मीडिया है, वो डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट बोलती हुई आ रही है। Calling out the Democrats for what Trump was sued twice by DOJ for racial discrimination for refusing to rent apartments to black people. लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में इसलिए जीते क्योंकि उसी रेसिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को भारी मात्रा में लटिनोज ने वोट किया है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को इस बार 45% लैटिनो कम्युनिटी ने वोट किया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। उसके ऊपर से ऑलमोस्ट 15% ब्लैक कम्युनिटी ने भी ट्रंप के लिए वोट किया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है जो कि ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेट्स के लिए वोट करती है, उसमें भी लेकिन जो इंडियन अमेरिकन मर्द हैं वो ज्यादातर ट्रंप की तरफ लीन कर रहे हैं, तो इंडियन अमेरिकन का वोट भी खींच लिया उन्होंने। और ये इंडियन अमेरिकन वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अगर ट्रंप के कैबिनेट को देखेंगे, ट्रंप का जो क्लोज टीम है उसको देखेंगे, उसमें सरप्राइजिंगली काफी इंडियंस एंड हिंदूज भी हैं। जी हाँ, अमेरिका की सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी में काफी इंडियंस और हिंदूज भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश पटेल, जो पुरानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, काफी समय से वो एक रिपब्लिकन रहे हैं और ट्रंप के करीबी रहे हैं। और माना जाता है कि इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कैश पटेल को या तो CIA का हेड बनाया जा सकता है या FBI का हेड बनाया जा सकता है। और कैश पटेल अगर आप जानते नहीं हो तो काफी बड़े संघी भी हैं जिन्होंने काफी ओपनली राम मंदिर को सपोर्ट भी किया था। तो बताइए एक संघी अमेरिका की CIA या FBI का हेड बन सकता है। उसके बाद विवेक रामस्वामी ट्रंप कैंपेन के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर थे। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है यंग वोटर्स को ट्रंप के लिए वोट करने में और इस वजह से ट्रंप से डायरेक्टली भी उनको काफी तारीफ मिली। और विवेक रामस्वामी एक प्राउड हिंदू भी है। वो निकी हेली या बॉबी जिंदल की तरह कन्वर्ट होने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि देखिए आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मैं हिंदू हूं और वो कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं अपने कल्चर को धोखा नहीं दूंगा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। ट्रंप ने कहा भी है कि वो विवेक रामस्वामी को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देना चाहते हैं अपने कैबिनेट में। तुलसी गैबर्ड, जो एक और प्राउड हिंदू है, जो ट्रंप की मेन टीम की काफी बड़ी मेंबर थी, जिन्होंने ट्रंप की जो एंटी वॉर स्टांस है, एंटी इंटरवेंशनिस्ट स्टांस है, उस पे काफी अच्छी एडवाइस भी दी है क्योंकि तुलसी गैबर्ड अमेरिकन मिलिट्री की एक एक्टिव मेंबर भी है। और आपको तो याद ही होगा कि कमला चाची की किस तरह से उन्होंने साबुन लगा लगा के धोबी पछाड़ दे दे के धुलाई की थी 2020 के डिबेट्स में। इन व्हाई आई एंडोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप ओवर वाइस प्रेसिडेंट Kamala Harris. It is because of those fundamental rights and freedoms that are enshrined in our Constitution and the words that our founders had for us in this country as Americans, our right to life, liberty, and the pursuit of happiness. उसके बाद आते हैं J.D. Vance, जो basically एक तरह से भारत के दामाद ही हैं, क्योंकि उनकी पत्नी हैं उषा वैंस, जो कि अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली हैं, openly proud हिंदू अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली हैं. And his absolutely remarkable and beautiful wife. और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज एक्चुअली इंडियन अमेरिकन्स के पास काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है
कि रिपब्लिकन पार्टी भले ही उसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने कम से कम एक विलिंगनेस दिखाई है आपको एक्सेप्ट करने की, आपको अच्छे पोजीशंस देने की और आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफर करने की। तो मैं तो कहता हूं कि आपको डेमोक्रेट से जिस तरह की गालियां पड़ रही हैं, भारत देश को जिस तरह की गालियां पड़ रही है, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं हिंदूज के ऊपर और भारत देश के ऊपर, उससे अच्छा है कि आप रिपब्लिकन पार्टी को एक तरह से अपना गढ़ बनाए। देखिए, जूस को भी ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन बड़ा प्यार करते हैं या डेमोक्रेट्स बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपनी इन्फ्लुएंस इस तरह से बना रखी है कि सारी पार्टी जो है उनके पीछे पड़ी हुई है कि प्लीज यार हमारे लिए वोट दो, हमारे लिए वोट दो, वी लव यू। देखिए, इंडियंस को भी, खासकर हिंदूज को भी ये समझ लेना चाहिए कि देखिए हवा किस तरफ बह रही है। रिपब्लिकन्स हैं जो अभी हिंदूज को, इंडियंस को जगह दे रहे हैं अपनी पार्टी में, तो वहां जाओ, एक गढ़ बनाओ और ऐसा गढ़ बनाओ कि यार आपसे वो नफरत भी करते हो लेकिन उनको आपसे प्यार दिखाना पड़े, क्योंकि उनको आपके वोट चाहिए और आपके पैसे चाहिए। तो जीतने के बाद ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी, उनको बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कांग्रेचुलेट करना भी शुरू किया। इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट कॉल्स दैट ट्रंप टुक वाज विद नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उनको ट्विटर पे भी कांग्रेचुलेट किया। और अपेरेंटली कॉल पे ट्रंप ने मोदी से कहा कि पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है, इंडिया इज अ मैग्निफिसेंट कंट्री, मोदी इज अ मैग्निफिसेंट मैन, इंडिया एंड यूएसए आर ट्रू फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ट्रंप ने सबसे पहले फोन पर बात की मोदी से, फिर नेतन्याहू से और फिर सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान से। जस्टिन ट्रूडो को तो लगता है होल्ड पर ही छोड़ दिया, इसीलिए उनके गर्लफ्रेंड उनके दूसरे लीडर की थोड़ी लगी पड़ी है। I think a lot of folks woke up today and woke up really worried, really afraid. वही यूक्रेनियन लीडर जेलेंस्की ने भी काफी बड़ा कांग्रेचुलेशंस वाला ट्वीट डाला है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब जेलेंस्की से मिलेंगे तो कुछ ऐसी बात बोलेंगे। Hey guys, looks like your free ride's over, huh? Have fun living on the streets. इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मलोनी ने भी कांग्रेचुलेशंस बोला है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा है कि इटली एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर सिस्टर्स। मोदी जी भी सोच रहे होंगे सिस्टर बोल दिया, आप कोई डेंजर नहीं है, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे आई नो व्हाई यू आर हियर। आप आए हो मेल्टडाउन देखने के लिए, तो जरा प्रोटेक्शन पहनो। ओह गॉड, ये एमी में करते हैं। We are fucking over. How did we get here? जैसा कि समझ सकते हैं, इंटरनेशनल लावण्या और साउथ दिल्ली की हालत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। एक यूजर ने तो पूरे के पूरे स्टेट की जनता को कह दिया कि उनको शर्म आनी चाहिए। द यंग टर्क्स करके एक एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल है जो बहुत इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है, उनके होस्ट का तो रोना निकल गया। आई एम गेटिंग रेव्ड अप हियर ऑन अ सिग्निफिकेंट रैंट। लास्ट टाइम भी कमला हैरिस इज नॉट विनिंग एंड द पीपल हु थॉट दैट कमला हैरिस वाज गोना विन अ लैंडस्लाइड आर totally wrong. Aur American TV host ko dekh lijiye. Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go. for healthcare, for our climate. पहले तो एक लोग स्टेट को गाली दे रहे थे, ये भाई साहब तो अपने पूरे के पूरे देश को ही गालियां दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज पैनल का मेल्टडाउन देख लीजिए। कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट कैपिटल इज हैरिस काउंटी वेयर ह्यूस्टन इज एंड दे आर रिलेंटलेस इन इट एंड दैट इज आल्सो द लार्जेस्ट सिंगल फिजिकल नंबर ऑफ ब्लैक वोटर्स इन एनी काउंटी अदर देन कुक काउंटी इन इलिनॉय। दैट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैक वोटर्स अवेलेबल एंड दे आर डीपली सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी एंड एक्सेस टू द बैलेट। वो कह रहे हैं कि ब्लैक लोगों को दबाया जा रहा है इसलिए वो वोट नहीं कर पा रहे। अरे अगर वो वोट नहीं कर पा रहे तो ऑलमोस्ट 15% ने ट्रंप को कैसे वोट कर दिया यार? फिर ऑब्वियसली ट्रंप को हिटलर बोला जा रहा है फिर से। One side stands for freedom while the other meets the textbook definition of fascism, namely a far-right dictatorial regime like Hitler's Germany or और सुनिए through the moment as an aging bullshit artist. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को ही बंद करा देने की जरूरत है, तभी जाके हम लोग जीत सकते हैं। Social media, because one of the biggest defenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations of social media. एक हमास सपोर्टिंग स्ट्रीमर है, वो बेचारा देखिए कितना दुखी हो गया कमला के हारने के बाद। These Democrats that just fucking sold your goddamn liberties by running an objectively dog shit fucking campaign. Wait till you find out how much money they're making. एक भाई साहब तो हल्क होगन बन गए यार, अपने कपड़े ही फाड़ने लग गए। Oh Jesus Christ, I'm so pissed off. Fuck, fuck. फिर देखिए कुछ लोग फिर से व्हाइट प्रिविलेज को ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अमेरिका को रेसिस्ट और सेक्सिस्ट बता दिया। कुछ लोगों ने बोला कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो अपना ट्विटर ही डिलीट कर देंगे। तो जरा उनके साथ फॉलो अप करके आप लोग चेक कीजिएगा कि उन्होंने डिलीट किया कि नहीं। कुछ कमला के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई हम टेस्ला खरीदना बंद कर देंगे। To delete my ex account, I'm disgusted enough to never order a Tesla as long as I shall live.
अबे तो पहले भी तो इलॉन मस्क ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, पहले क्यों खरीद रहे थे? फिर से देखिए सोशल मीडिया को ब्लेम किया जा रहा है। But you have Elon Musk who owns Twitter X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propagandist. और देखिए इंटरनेशनल मेल्टडाउन तो होता ही है, लेकिन कमला चाची हारी है, डेमोक्रेट्स हारे हैं, तो भारत में तो मेल्टडाउन बनता ही है ना। क्योंकि देखिए साउथ दिल्ली की लावण्या को अपने लोकल एमएलए का नाम ना पता हो, अपने लोकल एमपी का नाम ना पता हो, लेकिन अमेरिका में हैशटैग नॉट माय प्रेसिडेंट जरूर ट्रेंड कराएंगे। कोई जरा संजय झा जी की हेल्थ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड थे कि कमला ने ट्रंप को बिल्कुल ठोक दिया है पूरी तरह से। चेतन भगत को तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, दिन भर ट्वीट करते हैं यूएस इलेक्शन के बारे में, फिर रात में बोलते हैं कि किसको क्या फर्क पड़ता है यूएस इलेक्शन से। अरे कहना क्या चाहते हो? राजदीप सरदेसाई बहुत दुखी है कि यार फेलन को जितवा दिया, क्या बात है। ये ऐसे इंसान हैं जिनकी खुद की जो बीवी हैं वो एक ऐसी पार्टी के लिए काम करती हैं जिनमें कई पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, अरफा जी का तो बिल्कुल दिल ही टूट गया यार। प्रीति चौधरी कहती हैं कि भाई ट्रंप फिर से एक औरत के रास्ते में आ गया और एक औरत यूएस प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। बिल्कुल उसी तरह के वक्फ बोर्ड ने एक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर पाए। राणा अयूब ने इसमें भी घासा घुसेड़ दिया, फिर कहती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता हु विंस। अगर इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है तो ये जो ट्वीट सारे डाल रखे हैं ये आपके मौसी के लड़के ने किए हैं। तो हमारे हिंदुस्तानियों को पूछेगा कि कश्मीर किधर है तो उनको शायद पता भी नहीं है, लेकिन गाजा का नाम तो ऐसे लेते हैं जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, और उसके ऊपर से ट्रंप का नाम ले लेके इस तरह से मरते रहते हैं यार। ट्रंप को तो उल्टा गाजा की नहीं पड़ी है, वो तो नेतन्याहू को फोन करके बोलेगा कि भैया दो दिन में वॉर खत्म करो, जितने बम मारने हैं मारो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो दिन में खत्म करो। राजदीप का कहना है कि अमेरिका Men of color के लिए रेडी नहीं, कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं। सागरिका घोष कहती है कि अमेरिका को उनकी इंदिरा गांधी कब मिलेंगी। तो देखिए इंडिया का तो ये हाल चल रहा है, लेकिन अगर पड़ोसियों को देखो, पाकिस्तान को देखो, वहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ये क्लियरली माइंड पे सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ, मैं अपनी वालदा लिवाना, शी इज माय मदर, शी इज नॉट केयर माय पर्सनली, माय फादर इज वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। तो देखिए मेल्टडाउन तो हमने एंजॉय किए, हम जो है ना पाकिस्तानी, हम अलग ही आइटम लेकर आते हैं, हम ये आप लोगों के ट्रेंड ट्रेंड नहीं फॉलो करते। हमारी न्यूज जो है ना वो सबसे ज्यादा ही वायरल होती है। देखो हम अनोखा आइटम लाते हैं हमेशा, जब भी मार्केट में आते हैं अनोखा लेकर आते हैं, बस ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जो अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं उससे इंडिया पर क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया के लिए अच्छा होगा, इंडिया के लिए खराब होगा? तो देखिए दिस इलेक्शन एक्चुअली फॉर इंडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू रियलाइज, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ही एंटी डीप स्टेट है, और ट्रंप के इलेक्शन के बाद ट्रंप और अमेरिकन डीप स्टेट के बीच की जो लड़ाई है वो और भी घमासान हो जाएगी। याद रखिये ये वही डीप स्टेट है जिसने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, और फिर बांग्लादेश में एक पपेट इस्लामिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो ट्रंप अगर डीप स्टेट के खिलाफ लड़ेगा तो वो इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी चीज है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका से फ्यूल के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया चाइना जैसे देशों की तरफ बढ़ेंगे, और इससे हो सकता है इंडिया को चीपर फ्यूल भी मिले। हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रंप काफी ट्रांजैक्शनल है, अगर आप विलिंगनेस दिखाएंगे कि आप ट्रंप के साथ काम करने को तैयार हैं तो ट्रंप भी आपको काफी कंसेशन देने के लिए तैयार है, और वो भी आपके नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया वाज विलिंग टू वर्क विद ट्रंप। इसलिए याद रखिए कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था इंडिया ने तब ट्रंप ने उसको चुपचाप सपोर्ट किया था, जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी ट्रंप ने उसको सपोर्ट किया था, कुछ हल्ला नहीं मचाया उन्होंने। इसके ऊपर से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई थी और हिंदुओं को दिवाली भी विश की थी। फॉरेन अफेयर्स में भी अगर आप देखें तो ट्रंप जो है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट, यानी वो नहीं चाहता कि अमेरिका पूरे दुनिया के देशों की पॉलिसी को डिक्टेट करे। इसलिए अगर वो अपनी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा तो ये पॉसिबल है कि इंडिया में अमेरिका का इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो और इंडिया अपनी नेशनल स्ट्रेटजी को बेहतर डिजाइन कर सके विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस। ये भी हो सकता है कि चाइना के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। याद कीजिए कि अपने फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने चाइना पर काफी टैरिफ्स लगाए थे जिससे चाइना पर बहुत इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा था। ट्रंप ने ये भी कहा था कि वो चाइनीज गुड्स, चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज एप्स को भी बैन करना चाहता है, जिस तरह से इंडिया ने टिकटॉक और दूसरे चाइनीज एप्स को बैन किया था। उसने कहा था कि इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और वो इसी तरह से इंडिया के एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहता है। तो अगर ट्रंप ने ऐसा एक्चुअली कर दिया, अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में चाइनीज
चाइनीज एप्स और टिकटॉक को बैन कर दिया तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी। और अगर ट्रंप चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाता है तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यूएस मार्केट्स में एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है और वो यूएस बिजनेसेस को चाइना से अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो बिजनेसेस चाइना से अपने सप्लाई चेन्स को दूर करना चाहते हैं। तो देखिए पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हो सकते हैं स्ट्रेटेजिकली, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं क्योंकि ट्रंप मेक इन अमेरिका को प्रमोट करना चाहता है, अमेरिकन्स को अमेरिकन जॉब्स में प्रमोट करना चाहता है। इसलिए ये हो सकता है कि जो H-1B वीजा हैं जिस पर मेजॉरिटी इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उसको और भी स्क्वीज करने लगे और इंडियंस की जो वीजा के इश्यूज हैं वो और भी ज्यादा हो जाए और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट और ट्रंप के बीच में थोड़े टेंशन क्रिएट हो जाए। याद रखिए ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया था कि वो अपनी इकोनॉमी को और थोड़ा खोले और जो उनके कुछ ग्रेन्स में प्रोटेक्शंस हैं उन प्रोटेक्शंस को हटाएं ताकि अमेरिकन्स को बेहतर एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। और ऑब्वियसली अपनी ग्रेन सॉवरेनिटी के लिए, अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के लिए इंडिया ऐसा नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से भी हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी टेंशन हो। ऊपर से याद रखिए कि एक ये पॉजिटिव चीज जरूर है कि कुछ इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन ट्रंप के क्लोज कैबिनेट में है, लेकिन याद रखिए कि ट्रंप के इनर सर्कल में एक ओपन खालिस्तानी भी है जो हिंदुओं को काफी गालियां दे चुकी है, जो इंडिया को गालियां दे चुकी है, जो ओपनली खालिस्तानी सिंपथाइजर है। तो उस तरह के लोगों से भी जो इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन आए हैं ट्रंप के कैबिनेट में, उन लोगों को भी सिखाना पड़ेगा ट्रंप को कि भैया ये कितनी डेंजरस औरत है। और हो सकता है कि ऐसे लोगों की वजह से ट्रंप जो है वो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म पर बहुत बड़े स्टेप्स ना ले। तो एक कमेंटेटर ने स्वराज मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप का जो इलेक्शन है वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत पॉजिटिव है लेकिन कमर्शियली चैलेंजिंग हो सकता है। उस स्टेटमेंट से ब्रॉडली मैं भी अग्री करता हूं कि देखिए स्ट्रेटेजिकली अगर इंडिया ट्रंप को वो चीजें दे जो ट्रंप चाहता है तो ट्रंप भी इंडिया के साथ काम करने को बहुत रेडिली तैयार हो जाएगा। उसने पहले भी कहा है कि उसकी मोदी से बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर कमला हैरिस से कंपेयर करें तो डेफिनेटली ट्रंप इज बेटर फॉर इंडिया देन कमला हैरिस एंड द डेमोक्रेट्स राइट नाउ इन दिस मोमेंट इन हिस्ट्री। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए बेहतर कौन है, कमला हैरिस या ट्रंप? और आपका फेवरेट 2024 इलेक्शन से रिलेटेड मेल्टडाउन कौन सा था या मीम कौन सा था नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं बिकॉज़ आई डू वांट टू चेक इट आउट। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको वेल मजे का था वीडियो मेल्टडाउन्स क्या बोला जाए। अच्छा पहले तो मैं इस चीज को एड्रेस करती हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप कैसे जीत गया। अगर आप ट्विटर पे थे या ट्विटर पे हैं, क्योंकि बाकी सारे जो हमारी तरफ कैनेडा में फेसबुक पे आप कोई लिंक शेयर नहीं कर सकते हो, कोई न्यूज नहीं शेयर कर सकते हो, तो हम पे बहुत सारी पाबंदी है कि हम यहाँ पर सोशल मीडिया पे क्या शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब भी बड़ा सेंसिटिव है क्या क्या चीजें आप उस पर डाल सकते हो। तो इस वजह से ट्विटर जो है जब से इलॉन मस्क ने लिया है तो उस पर बहुत सारी चीजें जो शेयर हो सकती है बहुत लीनियंट वो है, यू नो, इन सस्पेंडिंग अकाउंट बहुत सारे ऐसे लोगों के अकाउंट से जो वापस रीस्टोर किए उसने इंक्लूडिंग ट्रंप। मगर मेरा अकाउंट जो है वो लास्ट वीक जो है वो कैंसिल कर दिया और सस्पेंड कर दिया। तो आई डोंट नो, यू नो, ट्विटर पे जो आप देख रहे थे ना ट्रेंड और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हो और आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आपके दिमाग पर एक ही चीज जो है वो हैमर डाउन की जा रही है कि ट्रंप इज बैड, कमला इज गुड। और ट्रंप क्या करेगा, ट्रंप आकर अबॉर्शन बैन करेगा, औरतों के सारे राइट्स छीन लेगा, ट्रंप आया तो ये कर लेगा। तो वो जो फियर मॉन्गरिंग जो थी ना वो बहुत हो रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मगर हम जैसे लोग जो ट्विटर पे बैठे हैं और जो लोगों से मिल रहे हैं और जो देख रहे हैं एक्चुअली चीजों को होते हुए, तो हमारे लिए ये वुमेन्स इश्यूज और ये जो ट्रांसजेंडर का इश्यू और ये सारे जो इश्यूज है ना, आई डोंट थिंक कि वो इतने इम्पोर्टेंट थे। आई मीन टू एन एक्सटेंट वो इम्पोर्टेंट है, मगर बाकी सारी चीजें जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो है यूएस में वो ये हो रही है कि आपने इतने सारे इलीगल लोगों को आके वहां रहने दिया है और इसके पीछे जो है वो ये था कि आप वहां पर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस इलेक्शन में कोई भी जाकर वोट कर सकता था, कोई आईडी रिक्वायरमेंट आपकी है ही नहीं, आईडी चेक ही नहीं कर रहे थे। तो चाहे आप एक दिन में आए हुए हो यूएस में या एक महीने से रह रहे हैं या 10 साल से रह रहे हैं, आप जाकर वोट करके आ सकते हैं। एंड ऑफकोर्स जो उनको आने दे रहा है वो उन्हीं को वोट करेंगे ना जाकर। तो ये तो हमको दिख रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग। उसके साथ साथ क्राइम जो है वो वाकई में यूएस में बहुत बड़ा है, स्पेशली जो डेमोक्रेट सिटीज हैं या जो स्टेट्स हैं उनमें ज्यादा क्राइम हो रहा है। आपने देखा है कि टेंट सिटीज बन गई हैं एंड पीपल देव जस्ट हैड इनफ, वो देख रहे हैं इस चीज को। तीसरी चीज की इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई इतनी हो गई, आपका हेल्थ केयर सिस्टम नीचे जा रहा है, आप हर चीज में महंगाई हो गई, बिकॉज देयर इज
सो मच यू आर ट्राइंग टू पुश. उसके अलावा आप अपना पैसा, लोग कह रहे हैं कि हमारा पैसा है, हम टैक्सेस देते हैं, हमारा पैसा क्यों दूसरों को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है. सेम थिंग इन कैनेडा इज हैपनिंग के मेरा पैसा यूक्रेन की वॉर में क्यों लगाया जा रहा है, मेरा पैसा पैलेस्टाइन की वॉर में क्यों लगाया जा रहा है, व्हाई इज माय मनी गोइंग एंड सपोर्टिंग ऑल दीज अदर थिंग्स दैट आई डोंट साइन अप फॉर, यू नो. तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग जो है ना अब बिल्कुल ही तंग आ गए थे उससे. और वो ट्रंप जो है जैसी चीज देखता है वो बोलता है, राइट, और उससे जो है आम आदमी जो है वो रेजोनेट कर सकता है. Whereas, अगर आप अपना कोई भी थोड़ा सा जो है थॉट प्रोसेस बाहर रखते हो तो आपको फॉरन रेसिस्ट बोला जाएगा, नाट्सी बोला जाएगा, होमोफोबिक बोला जाएगा, इस्लामोफोबिक, सारी फोबिया उठा के लगा देते हैं वो आप पर. और ये जितने भी आपने देखे थे यू नो, ये सारे जितनी ज्यादा ज्यादा आप बोलोगे ना, उन वर्ड्स की जो है ना मीनिंग लेस होती रहती है, उसका असर जो है ना कम हो जाता है. फिर हम पे अब असर नहीं होता. मुझे कितने लोग इस्लामोफोब बोलते हैं, मुझ पर असर नहीं होता क्योंकि दैट वर्ड हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग, राइट. तो इसी तरह से जब आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हो, आई मीन उसको आप नाजी से कंपेयर कर रहे हो, तो एट सम पॉइंट ना लोगों का दिमाग काम करना शुरू हो जाता है. तो और फिर ट्रंप की तरफ से आई मीन चंद मैंने नेगेटिव चीजें भी देखी यू नो ट्विटर पे, कि मर्दों ने जो है वो मैनोस्फेयर जो उठा है एंड्रयू टेट और इन लोगों का जो सिस्टम था वो और लड़कियों को ना और भी डरा रहा था, क्योंकि दे आर गोइंग एक्सट्रीम है उनके. ये मैं नहीं कहती कि रिपब्लिक पार्टी में ये एक्सट्रीम राइट विंग वाइट नेशनलिस्ट रेसिस्ट लोग नहीं हैं, जानते हैं हम, ओके. उनमें मर्द वहां तक जा रहे थे और मुझे भी, और ये ट्विटर पे रेज बेटिंग आज तक चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है यूट्यूब पे, कि औरतों को रिपील द 9th, 19th, क्या है कि औरतों को वोट करने की भी इजाजत नहीं देनी चाहिए, औरतों को उठाकर बस घर में बंद कर दो, बच्चे पैदा करवाओ और उनको तो काम करने की जरूरत नहीं है. तो यू नो आई मीन अगर आप देखें तो ट्रंप की खुद की कैबिनेट में उसके कितने स्टाफ मेंबर ऐसे हैं, तुलसी गैबर्ड उठा लो यार, अभी अभी मैं उसको देख, अपनी बीवी है उसकी हु यूज्ड टू बी अ मॉडल, यू थिंक ही इज गोइंग टू गो एंड लाइक बैन वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, लाइक यू नो. तो यू हैव टू टेक दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. उनको भी जगह देनी है कहीं पे, वो कर लेते हैं अपने आप को. मगर ट्रंप ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैं उठा के औरतों के राइट्स जो है इस तरह से खत्म कर दूंगा. अबॉर्शन राइट्स भी हर स्टेट पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करते हैं, उस पर आपकी मिक्स फीलिंग्स हो सकती हैं. मगर बेसिक चीजें जो थी वो लोगों को वो दे रहा था. आप कमला को भी उठाओ फॉर एग्जाम्पल, 4 साल से तो थे ना आप, आपके पास, आपने क्या चेंज किया 4 साल से? आप क्या वहां पर बैठ के बात करिए कि नहीं, जो प्रिजन में जो बंदा ट्रांसजेंडर बनना चाहे तो उसकी हम पूरी फंडिंग करेंगे. यानी जिन लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, पागल मेंटल लोग घूम रहे हैं, उनको मेंटल जो है आप थेरेपी मत दो, वो फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए पैसे लगते हैं. मगर किसी ने अपना जो है जेंडर चेंज करना है वो भी जेल में, तो उसके लिए ये फंडिंग करेंगे. तो ऐसी चूतिया पे की चीजें थी जिसको लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. और आई डोंट नो कि कौन से ऐसे लोग हैं, यानी वही लोग होंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, जो ब्रेन वॉश होंगे, जिनको ये लग रहा था हाय ये कैसे जीत गया, हमें तो पता था इसने जीतना था. आई न्यू, मैं तो लास्ट टाइम भी जब हुआ था तो बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे. एक्चुअली बहुत सारे लोग जो लास्ट टाइम मेरे अगेंस्ट थे ट्रंप को सपोर्ट करने पे और मुझे बोलते थे कि हाय दिस तुम तो राइट विंगर हो, तुम ये हो वो, तो वो अब इस साल जो है ना वो भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे. तो द थिंग इज कि यू नो कॉमन सेंस विल प्रिवेल यू नो एट सम पॉइंट. अब देखना क्या है, देखना ये है क्योंकि ट्रंप ने लास्ट टाइम भी आया था तो बहुत सारे वादे किए थे मगर वो वादा निभाए नहीं थे, इसने सारे नहीं निभाए थे. तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये वादे निभाता है. आई थिंक पहली चीज जो है वो ऑब्वियसली ही शुड स्टार्ट विद डिपोर्टिंग ऑल द इलीगल्स. वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा वो देखेंगे हम. एक प्रेसिडेंट उससे सेट होगा दूसरे मुल्कों के लिए कि ये चीज आप कर सकते हो, क्योंकि इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन माइग्रेंट्स से जो है आप देख सकते हो कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज एंड देयर गोइंग थ्रू दिस, देयर सफरिंग थ्रू दिस. जहाँ पे क्राइम रेट आपका बढ़ गया है, लाइक इट्स जस्ट टू मच, वहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है. और फिर अगर मैं कनाडा के हिसाब से बात करूँ तो हम तो बिल्कुल ही पागल हो गए, हमारे पास तो कोई ट्रंप भी नहीं है, हमारी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो भी लिबरल है, सो हम तो यू नो वी आर काइंड ऑफ स्क्रूड. मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है. आई एम वेरी हैप्पी कि ट्रंप वन, मगर बात वही आ जाती है कि आप आ तो गए हो, अब आपने जो वादे किए थे ना वही गाना याद आता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. अभी निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं ये देखना पड़ेगा. लास्ट टाइम जब ट्रंप मगर जो आया था तो उसमें सेनेट और हाउस जो है आई डोंट थिंक इट वाज अंडर हिज कंट्रोल, मगर इस दफा जो ये जीता है उसमें उसने सब कुछ जीता है, लाइक पॉपुलैरिटी वोट आप जीते, वैसे भी आप जीत गए सीट्स, देन यू हैव द हाउस एंड देन यू हैव द सेनेट, सो मे बी ही हैज मोर पावर टू मेक चेंजेस दिस टाइम देन ही डिड लास्ट टाइम.
मगर देखते हैं ट्रंप की एक और क्वालिटी जो मुझे पसंद है, लाइक ही इज अ स्ट्रॉन्ग, यू नो जिसे कहोगे अल्फा मैन, है ना, वो अपनी बात रखता है। उसने यार वो नॉर्थ कोरिया के बंदे को बोल दिया था रॉकेट मैन, तो वो एक मुझे रीजनेबल बंदा पड़ता है। इफ यू पुश हिज बटन्स ही विल पुश बैक, ठीक है ना, जैसे कि मैं करती हूँ लोगों के साथ। आप जैसे मुझसे बात करोगे, मैं बहुत रीजनेबल बंदी हूँ, मगर जहां आप थोड़ा सा बटन पुश करते हो तो वहां भी मैं खड़ी हो जाती हूँ एंड आई एम लाइक वेट अ सेकंड, राइट। तो इसी तरीके से इसने पुटिन से भी बात की थी, तो आई एम श्योर ही इज विलिंग टू वर्क विद पीपल दैट वांट टू वर्क विद हिम। You know, you scratch my back, I scratch your back, ऐसा ही सिस्टम है, मगर आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर माई कंट्री फर्स्ट, विच आई थिंक हर मुल्क को अपनी कंट्री के बारे में पहले सोचना चाहिए, ऑफकोर्स अपने सिटीजन के बारे में पहले सोचना चाहिए, ऑफकोर्स मैं तो उससे अग्री करती हूँ, राइट। अमेरिका को हमारी परवाह करने की क्या जरूरत है, यू नो, इंडिया को हमारी परवाह करने की क्या जरूरत है, वाइस वर्सा। तो ये चीज उसके अंदर अच्छी है। बाद में जो ये कह रहे हैं कि कमला जो है वो क्यों नहीं जीती और हिलरी से भी बुरा उसने क्यों करा, देखो इट इज नॉट जेंडर का इसमें कोई हाल वो नहीं था, हाथ नहीं था, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फेमिनिस्ट या वुमेन्स राइट एडवोकेट में हूं। और लास्ट टाइम जो हिलरी थी, हिलरी के अंदर फिर भी तब्बड़ था, जब वो बात करती थी ना उसके उसमें एक एटीट्यूड होता था, वो ट्रंप को वैसे ही जवाब देती थी जैसा वो जवाब देता था, तो उसके थोड़े बहुत टक्कर की थी, तो इसी वजह से उसने बेहतर किया था कमला के साथ, राइट, यू नो अकॉर्डिंग टू हिम। मगर शी वॉज कैमला वॉज टू स्वीट टू पुश ओवर, जैसे आप गए उसका एटीट्यूड ऐसा दिखता था, इट केम आउट लाइक दिस, आप ऐसे नहीं कर सकते, यू हैव टू बी लाइक अ BITCH, यू हैव टू बी, राइट। तो उसके आगे अगर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को आपने रखा होता ना तो शायद चांसेस बेहतर होते, तो इसमें मत डालो कि वो लड़की थी या औरत थी इस वजह से उसको पिक नहीं किया, शी वाजंट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, उसकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसका डिलीवरेंस स्टाइल स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो कॉन्फिडेंस उसमें से मिसिंग था। हिलरी वॉज स्टिल अ लॉट बेटर देन कमला, प्लस अभी शी ओनली हैड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि शी ओनली हैड 2 months टू प्रिपेयर, अभी तो उसको उसमें डाल दिया था, दैट कैन factor into it, मगर अगर आपकी delivery style, आपका convincing style लोगों को strong हो, right, तो वो असर करता है। So I don't think it had anything to do with gender, और लड़कियों को जो है वो पागल बनाया जा रहा है कि तुम्हारे सारे rights वगैरह हो जाएंगे। बाकी ये जो meltdown के videos है ना, I think now इसमें एक video है उसमें वो औरत को कर रही है breakup कर रही है, I think that's a fake one, वो तो लोगों ने ऐसे ही बना दिया, that's a video from before, और वो ऐसे बना दिया कि उसको न्यूज आई है। तो फेक न्यूज भी बहुत आती है, फेक चीजें भी आती है, इट्स फनी मगर इट्स फेक, राइट। और ये जो सारे चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, मे बी सम ऑफ देम आर रियल, मगर बहुत सारे लोग अब वायरल होने के लिए भी ना ये हरकतें करते हैं कि उनको पता है कि हम ये चीखेंगे वी गोना एक्ट स्टूपिड एंड इडियोटिक तो वायरल होगा। तो यू नो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, आपको नहीं पता कि अब क्या है रियल क्या फेक है। एनीहाउ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप आल्सो मुझको सपोर्ट कर सकते हैं ऑन पेट्रियन या ओनली फैंस पे या इस चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।